हज़रत सैयद ताजशाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक कोलकाता के 24 नंबर बालू हकाक लाइन में हुआ। ये उर्स दर्शकों पर हो रहा है और लोग ज़ियारत के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। उर्स मुबारक के साथ साथ मिलाद का भी इनाकात किया गया। उर्स मुबारक में ज़ियारत के लिए वार्ड नंबर 65 की काउंसिलर निवेदिता शर्मा भी मौजूद थी। उर्स के दौरान चादर पोशी की गई और संदल ले जाया गया। साथ ही मिलाद के आखिर में आए हुए मेहमानों को सम्मानित भी किया गया। मिलाद की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और नात खानी से हुआ और आखिर में वाजो नसीहत की गई और संदेश दिया गया कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम हमें सभी मज़हब के लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। इस दौरान कमेटी के मुतवल्ली शेख नूरन नबी, शेख नसीम, शेख नईम, शेख मुख्तार, सऊद अहमद वारसी, रबीउल अली और अन्य सभी टीम मेंबर मौजूद थे। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वो करवा रहे हैं, जितना दिन हम लोग अभी है, मतलब रहेंगे, जितने दिन ये करते जाएंगे और जो है वली जो है वो बस हम लोग मतलब देखते रहेंगे तो हम लोग ये चीज को और बड़े पैमाने में लेके जाएंगे। इससे भी अच्छा ये ऑलरेडी मेरे अब्बा का जो मथली बने हो 68 में बने, तो अभी पकड़ लीजिए उनका 60 साल तो हो ही जा रहा है, उनके हाथ से 60 से 65 साल हो रहा है। क्या किया जाता है, सुबह से सुबह जैसे सबसे पहले उनको गौसल किया जाता है, उसके बाद कुरान खानी होता है सुबह में मॉर्निंग में, उसकी मॉर्निंग में होने के बाद सब तरफ ये करके शाम के टाइम में संदल निकाला जाता है। संदल में बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोग के साथ शामिल होके जैसे प्रोसेशन में जाते हैं, हम लोग के साथ प्रोसेशन में निकलते हैं, करने के बाद फिर हम लोग आते हैं तो फिर उसके बाद चादर पोशी होता है। चादर पोशी के बाद फिर हम लोग वहाँ मिलाद हो रहा है, देखिए अभी मिलाद हो रहा है अभी भी, तो मिलाद होने के बाद फिर कवाली होता है, समा होता है, कवाली थोड़ा सी रात तक चलते फजर तक, उसके बाद फिर सुबह लंगर पर संदल चढ़ता है, संदल के बाद फिर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत पैमाने में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, हम तो हुआ नहीं है, सब ठीक है। और जैसे दुर्गा पूजा, हम लोग का जो दुर्गा पूजा है वो हम लोग कलकत्ता के मतलब सबसे बड़े पूजा है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ऐसा सोचना नहीं। हम लोग उर्स जो होता है तो हम लोग अगल बगल में ऐसा कोई बड़ा पूजा होता नहीं जिसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो, तो हम लोग अच्छे से ये उर्स अच्छे से हो जाता है। और भी कौम आते हैं, हिंदू बंगाली बहुत सारे आते हैं, वो कभी कभी इधर उधर से आते हैं, हम लोग सभी पूछते हैं, पूछ के फिर आते पूछने के बाद वो अंदर आते हैं, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। मैसेज देना यही चाहते हैं कि सब एक ये जो सब एक साथ रहें, खुश रहें, सब एक साथ रहें, खुश रहें, जिससे ये चीज को और बड़े से बड़े पैमाने में ले जा सकते हैं। तो ये चीज को मतलब कि छोटा नहीं करना है, इसको और बड़े से बड़े पैमाने में ले जाकर और फैलाना है कि जो यहाँ वली सोए हैं उनके लिए उस जो मुबारक सालाना होते हैं उसको अच्छे से और अच्छे से करना है। इधर हड़ताल होते ही जाता है और हड़ताल तक करते हैं और अच्छे से करते हैं, अरे बाबा का दुआ है। हाँ देखिए ये औलिया दिन बुजुर्गान दिन का निगाह करम है, उन लोगों ने काम करवा लेते हैं, करने का मौका प्रदान करते हैं। वैसा तो हम खुद नहीं है लेकिन औलिया दिन बुजुर्गान दिन से आप खूस तौर पर अहले बैत से जिन लोग भी मोहब्बत रखते हैं तो वो लोग सब लोग औलिया दिन और बुजुर्गान दिन से भी शफकत रखते हैं। इस हिसाब से मैं सिलसिला वारसी से मुंसलिक हूँ और मेरा नस्बत सरकार आलम पना हुजूर वारिस अली शाह जमल्ला जिक्रऊ से है, इसलिए उनका नस्बत से बुजुर्गान दीन के दरबार पर हाजिरी होने का सबका हासिल होता है। इसलिए टाट शाह के दरबार में भी इन लोगों ने भी मौका दिया, मुझे इस मौका पर मधु किया और मैं यहाँ बढ़ चढ़ का हिस्सा इसलिए ले रहा हूँ कि प्रोग्राम बुजुर्गान दीन का है, औलिया दीन का है और इस मौका पर शांति और अमन बरकरार रखे, लोगों में आपस में भाईचारगी प्यार व मोहब्बत का पैगाम जाहिर हो और बुजुर्गान दीन का यही पैगाम रहा कि हमेशा मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ। इसी पैगाम को लेते हुए हम लोग भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब रकम के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है उर्स के मौका पर शिरकत करते हैं। बंगाल में देखा गया जोधपुर जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री सेकुलरिज्म को मानती है, ईद हो बकरी हो दुर्गा पूजा दीपावली क्रिसमस न्यू ईयर सब में उनके एक ही बात है की उत्सव सवर अवसर जार जार और उसके साथ चाहिए। मगर देखा जा रहा है कुछ ऐसे लोग है जो हिंदुस्तान में बंगाल के सेकुलरिज्म को खराब कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा उसको खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं लेकिन उन लोग ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ही
हर धर्म के लोग बास करते हैं। यहाँ पर ही संविधान जो है, संविधान को मान करके ही चलना चाहिए। संविधान सबके लिए बना हुआ है और इसमें हर जात के लोगों का अपना अपना हकूक दिया गया है। इस हकूक को जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है, ये हिंदुस्तान के संविधान है। संविधान का रक्षा करना चाहिए और संविधान में जो बात कहा गया उसको मान के चलना चाहिए। सेकुलरिज्म, शांति, सोशलिज्म, ये सारा पैगाम इस्लाम का है, क्योंकि इस्लाम मजहबी शांति अमन का है, अमन का ही पैगाम देता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें किसी किस्म का फसाद या झंडला होने वाला बात नहीं है, इसलिए कि दुर्गा पूजा जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ये बंगाल का उत्सव है। जैसा ममता बनर्जी ने कहा या आप कह रहे थे कि धर्मो जात जात उत्सव सब, तो ये बात सही है। दुर्गा पूजा पूजा है, हिंदुओं ने पूजा क्या देगा, उत्सव समर मुसलमान उत्सव मना रहा है, इसलिए कि बंगाल में दुर्गा पूजा एक ऐसा है जो इसको बंगाल का उत्सव बोला जा सकता है। इसको सभी कोई मनाते, इसका रूप लेता है, कोई पूजा करता है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, जो घूमना फिरना करता है, सजावट होता है। बंगाल की ये एक अहमियत है दुर्गा पूजा, जो बंगाल ही में इसका दुर्गा पूजा को देखा जा सकता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही अहमियत रखता है बंगाल इस मामले में।